अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार दोस्तों, आज जो है ना हेटअप तो हमने बंद करके रखा हुआ है क्योंकि यार ठंड बहुत तेज है, तो इस वजह से हमने इनको दाना पानी देके बंद करा हुआ है। अभी शाम होगी तो इनको दाना पानी दे देंगे, सुबह का मैंने देके सारा कर दिया। लेकिन दोस्तों आज जो है ना मेन चीज ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और बहुत इन्फॉर्मेटिव है बर्ड्स लवर्स के हवाले से, क्योंकि आज जो है ना हम क्या बनाने वाले हैं, ब्रीडिंग फार्मूला। तो हम बनाने वाले हैं दोस्तों आज ब्रीडिंग फार्मूला, और वो ब्रीडिंग फार्मूला क्या होता है, जिससे जो हमारे बजेज हो गए, कॉकटेल हो गए, वो हैं अंडे अच्छे तरीके से देते हैं और जल्दी देते हैं क्योंकि वो हीटअप पर आ जाते हैं उस ब्रीडिंग फार्मूले से। वो क्या है वो सब आपको आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जो जो मेरे इस चैनल पे न्यू है और अभी इस वीडियो को देख रहा है, वो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल घर में शॉप को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें हम ना लेके, तो यार ये उठा लेते हैं और बाकी बाजरा कहाँ नीचे। चलो तुम लेके चलो दोस्तों, लेके चलते हैं। बाकी का काम हमारा किचन का है थोड़ा सा, अब वो क्या काम है आप लोगों को बताते जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप के कैसे हमने वो बनाना है और तैयार करना है। चलो तो ये दोस्तों कढ़ाई में ऐसे डाल लेना है बाजरा जो है, और उसके बाद जो भी हो आपके पास हल्की आंच पे पकाइएगा क्योंकि ये जल भी सकता है। और हमदा साहब जी पहले भी एक मरतबा हमने करा था तो इसने जला दिया था। तो दोस्तों ये देखें बिल्कुल हल्की आंच पे इसको ऐसे पकाते रहें, और इवियन कैप्सूल जो है ना उसके बाद इवियन कैप्सूल इसके अंदर डाल दीजिएगा। तो हमने अभी पहले डाल दिया इसके अंदर इवियन कैप्सूल मिक्स हुआ हुआ है, पहले डालें बाद में डालें एक ही बात होती है, तो हमने पहले डाल दिया। अभी नीचे आते हैं, हमने बोला यार डाल देता हूँ, उसने जल्दी जल्दी में डाल भी दिया। तो कितने डालें कैप्सूल हमने, एक ना दो सारा मिला के है ना, ये ना नीम का इसको उसमें निकाल लो इससे पहले ज्यादा जले। ये लें भाई दोस्तों, इजीली तैयार हो गया, कोई इतना लंबा काम नहीं है, छोटा सा काम है, आराम से हो जाता है। बाकी इसमें कितनी तादाद मिलानी है व्यान की मैं आप लोगों को ऊपर चल के बताता हूँ। तो दोस्तों ये हमने पूरे का पूरा कर लिया है बाजरा, और कॉकटेल का जो था वो भी मिक्स कर लिया एक ही जगह। तो इसके अंदर हमने सिर्फ दो कैप्सूल डाले, इतने बाजरे में देख लें आप, ये तकरीबन कितना बाजरा होगा हमदा, ये 4 किलो ना, 4 किलो के तकरीबन बाजरा है दोस्तों। तो इसके अंदर हमने सिर्फ दो कैप्सूल डाले, बहुत हाई होते हैं ये। और अब ये हम अपने बजेस, कॉकटेल और इन तोतों को देंगे, जितने भी हों, कोई भी से भी हों, लव बर्ड, स्विंज, क्या बोलते हैं वो, और भी किस्में होती हैं मेरे को इतना याद नहीं आ रहा। तो आप हर बर्ड को दे सकते हैं, बर्ड नहीं हर तोते को, पैरोट को, छोटे वाले उसमें हर उसको दे सकते हैं, और इससे ये इंशाल्लाह आपके जल्द से जल्द अंडे रख देंगे। करना क्या आप लोगों ने एक मरतबा और बता दूँ, दाना लेना है, दाने के अंदर इवियन का एक कैप्सूल मिलाना है, उसके बाद उसको भून लेना है कढ़ाई के अंदर। इवियन का कैप्सूल पहले डालें भूनने से या बाद में, दोनों एक ही बात है, बस इतना सा काम करना है। और आपने ये बाजरे को फिर सुखा के, सुखाना है ये नहीं कि अभी के अभी दे दें, सुखा के दूसरे दिन से देना स्टार्ट कर देना है। चलो भाई, तो यार हमदा ये लो, ये मैं ले आया हूँ इनका दाना वगैरह भी। और एक और चीज़, किसी को भी मैंने यार सुबह से पानी नहीं दिया, ये पकड़ो इसके अंदर जो अपन पाउडर नहीं लाए थे, ये लो जो एंटीबायोटिक होता है। तो दोस्तों वो एंटीबायोटिक पानी इनको यार आज देना था, तो मैं इसका वेट कर रहा था, ज़रा काम से गया हुआ था आज, मैंने बोला यार ये आ जाए तो ये सारे काम आज कर लेते हैं। खैर दोस्तों हमदा ये पाउडर बना रहा है, तो पाउडर बना के पानी का सबको पहले हम पानी दे देते हैं, और फिर इनकी रोटी भी भिगो दी है, कहाँ गई रोटी, यहीं कहीं भीगी हुई है, तो वो रोटी भी इनको फिर इस खाने के साथ हम मिल जाकर फिर इन सबको खाना दे देते हैं। तो एंटीबायोटिक दे दें पहले इन सारों को, फिर खाना दे देते हैं। बाकी एंटीबायोटिक आप लोगों को कहीं से भी मिल जाएगा, ये मैं बता दूँ, काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार ये कहाँ से लाए हो आप, ये कहाँ से लाए हो, तो ये एंटीबायोटिक दोस्तों आप लोग किसी भी फॉर्म से मिल जाएगा, मेडिसिन इंसानों वाली नहीं जानवरों वाली, तो जानवर वाले मेडिसिन पर जाएंगे वो आपको आराम से दें, बोले एंटीबायोटिक दे दें पाउडर या बीमारियों का जो होता है उसमें आता है क्या नाम है येलो कलर का, वो दे देंगे। सबको भाई डाल दिया हमने पानी एंटीबायोटिक का, और वो देखें उसमें पड़ा हुआ है पीला। बाकी इन सारों को पहले यार दाना खाना पीना शुरू करें हम यहाँ पे देना, फिर ये लोग खुद एक एक करके पानी सबको पिला देंगे। तो यार हमजा को मैं ये दे दूँ, कोने पे बैठा हुआ है वो आज, अबे यार कोने पे छुप के क्यों खाना बना रहे हो, वहाँ बना लेते। ये लो ये भी खाने में, ये प्लास्टिक हटाओ, ये कहाँ से आया पानी गिरेगा, चलो यहाँ पे बनाओ तुम जब तक खाना बनाओ, मैं जब तक यार देख लूँ कोई रह तो नहीं गया पानी के लिए। तो भाई इनको भी दे दिया हमने, इनको भी दे दिया, और इधर भी हो गए, हाँ सही है इधर तो है ही नहीं, इधर भी सबको कर दिया। तो आओ यार तुम्हारे से शुरुआत होगी, पहले दोस्तों इनको पहले रोटी डाल दें फिर हम सबको डालते हैं। ये लो यार पहले इनको डाल दो फिर बाकियों को डाल दो। एक किसका, एक उसका है क्या नाम है तीतर का और एक सुरखा। चलो यार अब ये उनको डालें,
यार ये हाथ में भी खाता है दोस्तों, देख रहे हैं आप, ये जो हमारा सुरखाब है वो हमारे हाथ में भी खा लेता है और माशाल्लाह से डरता नहीं है। लेकिन ये जो है ना इसकी मादा यार, ये पता नहीं क्यों इतना डरती है और इसको बहुत ज्यादा खौफ आता है। देखिए अभी भी इसको ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं मैं यहाँ से उठा के ले जाऊँ अंदर हाथ डाल के, इतना डरती है। और इसकी ऐसे नर भी हमारा थोड़ा सा कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है। बाकी यार हमारा जो सुरखाब है बहुत शौक से खाता है रोटी। तो यार ये है, ये देखो जरा इसमें देखो क्या क्या बादाम पिस्ते। हाँ तो यार ये बादाम पिस्ते का चूरा है, अखरोट वगैरह। यार हमने तो अपन को नहीं मिल रहा खाने को जितना इनको खाने को मिल रहा। तो खैर दोस्तों भाई को ये मिल गया था कहीं से तो उन्होंने खरीद लिया। ये मतलब खराब वाला होता है तो अक्सर बेकरीज पे मिल रहा होता है तो वो वहाँ से परचेज करके ले आते हैं अक्सर, तो हम इनको डाल देते हैं, इनके लिए तो बहुत फायदेमंद होता है। यार खरगोश खोल दूँ, अंदर ही डाल दूँ? चलो यार खरगोश बेचारे हमारे बंद हो गए इसकी वजह से, ये बोलता है अंदर ही डाला करो। और बाकी में दोस्तों हमारे मुर्गे मुर्गियाँ बहुत डरते हैं इनसे। ये हटाओ यार, ये मैं कैसे हटाऊँ, एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में ही है। हाँ चलो 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 हटो, ये लो ये बोटी। अरे ये रहा प्याला, ये प्याला थोड़ी है, तो मैंने इनके किसी और वजह से रखा था। इसके नीचे ना ये अपना घोंसला क्या होता है कुछ भी वो बनाने की कर रहे हैं, तो पता नहीं यार इनका बोल तो देते हैं हमारे को दोस्तों के रैबिट हमारे बच्चे दे देंगे, बच्चे दे देंगे, पर मुझे दूर दूर तक नहीं लग रहा। क्या हुआ तुम्हारे हाथ चिकने हो रहे हैं? आई लग गई, अबे भाई बड़ा चिकना हो रहा है। नहीं दोस्तों खींच ही नहीं रहा है, इससे खुल जाएगा। हाँ खुल गया भाई, खुल गया। अबे यार बहुत जैम हुआ वा? नहीं तो यार दोस्तों ये देखें मेरे हाथ में क्या है, पहचान गए होंगे आप। तो दोस्तों ये वही कबूतर है जिसको हमने पकड़ा था, और गिरेबाज जिसका नाम हमदा ने मेरे को बताया था। तो गिरेबाज वाला नस्ल हमारा प्यारा सा कबूतर, अभी तक मैंने इसके पर नहीं काटे दोस्तों और ना ही बांध रहे हैं, क्योंकि हम इसको अंदर ही दाना पानी दे रहे हैं यार। अब मैंने आप लोगों से उस वक्त भी पूछा था कि इसका क्या करूं, तो आप लोग मुझे लाजमी बताएं कि हमारा जो गिरेबाज कबूतर है इसके साथ मैं कबूतरी ला के डालूं और कौन सी नस्ल की डालूं, कौन सी अच्छी रहेगी। तो जो जो भाई एक्सपर्ट हैं उन्हें पता है, जो पिजन्स के बारे में ज़्यादातर जानते हैं, तो लाजमी बताएं। तो यार मैंने इसको निकाला क्यों है, तो दोस्तों असल में मज़ा ये है, जो हमारी मुर्गी नीचे जो बैठी हुई है ना वो इसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि हमें बार बार उसका हटा के इसको दाना पानी करना पड़ता है, तो उसको हम एक टाइम देते हैं सीधी बात, तो इस वजह से ना थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो इस वजह से हमने और मैंने फैसला करा कि इसको हम जब तक ये केज खाली है इसको हम यहाँ डाल देते हैं और ये सुकून से अब यहाँ पर रहेगा। लो यार शूटेड ऑन के लिए दो। तो भाई अब तुम्हें अंदर मिलेगा खाना, आ जाओ आराम से आराम से। छोटे दोन अपने से बड़ा निवाला ले रहे हो, सारियों को खोल दो ना, आ जाओ 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 जाओ। तो दोस्तों कल जो हमने बैठाई थी ना अपनी मुर्गी, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको खोला, सुबह दाना पानी भी करा, तो मैं आप लोगों को एक मरतबा वो दिखा दूं। तो दोस्तों मुर्गी जो है ये रही, ये मोहतरमा उठी हुई है खाने के चक्कर में, वो देखिए अंडों से। तो यार ये परेशानी हो रही है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, अंडों से उड़ जाती है और पहले भी उड़ जाती थी, इसी वजह से कि इसको आवाज़ें बाहर की आना और धड़म धड़म उछल कूल। तो अब हमने ना इसका पिंजरा ही खाली कर दिया, अब इसके ऊपर ढके रह दिया करेंगे, सिर्फ एक टाइम इसको खाना देना है, क्योंकि एक टाइम ही दाना पानी देते हैं और ज़्यादातर बंद रखते हैं ताकि ये अंडों को सही से सीख सकें। तो दोस्तों ब्रीडिंग फार्मूला जो हमने आज बनाया है और आप लोगों को बताया है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा कि कैसे बनाना है ब्रीडिंग फार्मूला और कैसे अपने बजीज को देना है तमाम। तो मुझे जितना आता था, जितना मेरे में था, मैंने सोचा आप लोग तक पहुँचाऊँ। तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो ब्रीडिंग फार्मूला बनाना और अगर आप लोगों को फ़ायदा मिले तो कमेंट में लाजमी एक कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हो गया फ़ायदा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल गर्मेश शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।